माइलस्टोन एकेडमी जूनियर विंग में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर सेमिनार का आयोजन 25 फरवरी को किया गया। इस सेमिनार में नई शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी बनाने के लिए इसके कई पहलुओं पर योजना बनाकर काम करने पर चर्चा की गई। इस दौरान पैनल डिस्कशन में फ्रेमवर्क पर चर्चा, खेल एवं अनुभवात्मक शिक्षा पर विचार विमर्श के साथ सेमिनार में मातृभाषा में शिक्षा और नई शिक्षा नीति पर विचार विमर्श किया गया। सेमिनार में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को अर्ली चाइल्डहुड एसोसिएशन छत्तीसगढ़ की ओर से प्रमाण पत्र भी वितरित किया गया। शहर के प्रतिष्ठित स्कूलों में शुमार माइलस्टोन एकेडमी जूनियर विंग में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर विशेष सेमिनार का आयोजन किया गया। हम बता दें कि शिक्षा नीति 2020 पर सेमिनार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से किया गया। इसके कई पहलुओं पर योजना बनाकर काम करने के लिए यहां पर चर्चा की गई। भविष्य में इससे न सिर्फ नई नीति ज्यादा प्रभावी होगी बल्कि वह बच्चों के लिए कारगर भी साबित होगी। छोटे बच्चों की शिक्षा में इसके इन्हीं अलग अलग पहलुओं को प्रभावी बनाने के लिए ECA यानी कि अर्ली चाइल्डहुड एसोसिएशन छत्तीसगढ़ भिलाई में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रैक्टिस में कैसे लाया जाए इस विषय पर कॉन्फ्रेंस भी किया गया। सेमिनार में सत्र में खेल एवं अनुभवात्मक शिक्षा पर स्पीच के साथ ही पैनल डिस्कशन किए गए। इसमें स्पीच श्री भूपेंद्र नेमा कार्यकारी निदेशक BNI भिलाई ने दिया, जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में चुनौतियों विषय पर पैनल डिस्कशन इस सत्र में किया गया। इसमें मॉडरेटर की भूमिका गुरुबख्श छाबड़ा ने निभाई। वहीं पैनलिस्ट के रूप में श्रीमती प्रफुल्ल शाह, श्रीमती श्री भानु सोनी, श्री चिरंजीव जैन शामिल रहे। मातृभाषा में शिक्षा और नई शिक्षा नीति में अंतिम कड़ी में मातृभाषा और नई शिक्षा नीति पर यहां पर विचार किए गए। अपने उद्बोधन में माइलस्टोन एकेडमी के एकेडमिक मेंटर S. चंद्रा ने अपना वक्तव्य दिया। Known from unknown. Then the second is from simple to complex. I think ये सभी करते होंगे. We start from strokes, then we go to letters, then we go to words, और फिर हम sentence बनना शुरू करते हैं. The third comes, we go from particular to general. बच्चे हमारे पास आता है, they know this is a dog, this is a cat, this is a cow, but they don't know that these are wild animals or farm animals. Or pet animals, so we go from particular to general. And the curriculum in such a way that we ensure sequential learning, that is step by step learning. Outcome will only come through sequential learning as the child progresses from toddler to preschooler and to kindergarten. And in all of this, our secret ingredient is always love. इंटेलेक्चुअल और कॉग्निटिव है, और उसके बाद वो लेके गए हैं सीधे आनंदमय पर। आप लोग जब स्कूल आए होंगे तो देखा होगा हैप्पी चाइल्ड हैप्पी नेशन। सो अंतिम अंतिम हमारा लक्ष्य क्या है, जैसा सर ने भी कहा कि बच्चा खुश रहे। सब कुछ मिल गया, ये बात मैं बार बार कहती हूँ, सब कुछ मिल गया और खुशी नहीं मिली तो कुछ मिला क्या? मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानती हूँ जो पवई या चेन्नई IIT के ग्रेजुएट है, सब कुछ सही है, खुश नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारी बात गड़बड़ हो जाती है। तो जुमाना, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आप कैसे एंश्योर करती हैं अपने करिकुलम में कि ये सारे डेवलपमेंट, फिजिकल मोटर, इमोशनल सोशल, कॉग्निटिव इंटेलेक्चुअल एंड अंत में आनंदमय जॉयफुल, ये आप कैसे एंश्योर करती हैं अपने करिकुलम में? पहले अपने बारे में बता दें थोड़ा। मैं जुमाना जफर फ्रॉम किड्सवर्ल्ड, आई एम डायरेक्टर ऑफ किड्सवर्ल्ड प्ले स्कूल एंड किड्सवर्ल्ड माय वर्ल्ड ऑफ ब्यूटीफुल किड्स इज एट शांतिनगर एंड कैलाश नगर भिलाई। नर्चरिंग किड्स इज माय पैशन एंड अप्लाइंग न्यू टीचिंग टेक्निक्स इज माय हॉबी। And I have done my integral education course from Aurobindo Schools of History. I thank Mamta ma'am and Bhupendra Nema sir for giving me this opportunity. Thank you both of you. शामिल शिक्षाविदों ने यहाँ पर अपने अपने विचार रखे। ECA और APER, अर्ली चाइल्डहुड एसोसिएशन और APER के द्वारा ये ऑर्गेनाइज्ड है। मैं छत्तीसगढ़ की ECA की मैं टेरिटरी हेड हूँ, इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ली है।
दूर दूर से पूरे स्टेट से स्पीकर्स आए हैं जो यहाँ पर अपने विचार रखेंगे और विचार विमर्श होगा और पैनल डिस्कशंस भी हैं, मॉडरेशंस भी हैं और स्पीचेस और प्रेजेंटेशंस भी हैं। इसका उद्देश्य है कि जो नई शिक्षा नीति आई है, जो नया नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आया है, उसकी जागरूकता बढ़े, सब जाने आखिर उसमें क्या है ताकि उसे इम्प्लीमेंट करना है। रायगढ़ से आए हैं मिसेस शिल्पा दीक्षित, ओपी जिंदल स्कूल से, बलौदा बाजार से रोशनी शुक्ला आई हैं, रायपुर से आए हैं SCERT से मिस्टर सुशील राठौर और अभिनय ब्राइटन पब्लिक स्कूल से अभिनय, एंड इस तरह से सुधार आएगा कि नहीं ये तो नहीं मालूम, पर प्रयास जरूर होंगे। सुधार और प्रयास में थोड़ा दूर है और जब सबके मिलजुल के प्रयास होंगे तो सुधार कैसे नहीं आएगा। नई शिक्षा नीति जो भारत सरकार द्वारा लागू की जा रही है, इस शिक्षा नीति के अंतर्गत प्री प्राइमरी के बच्चों को भी मेन शिक्षा स्ट्रीम में जोड़ा गया है। इस नए सुधार की बदौलत जो प्री प्राइमरी स्कूल जो अभी तक इंडिपेंडेंटली बिना किसी गाइडेंस बिना किसी सुपरविजन के अपने तरीके से काम करते थे, अब उनको भी भारत सरकार द्वारा मान्यता दी जा रही है और ये जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है उसको कंपलसरी एजुकेशन का पार्ट बना दिया गया है। इसी वजह से जो पहले 10+2 एजुकेशन होता था वो अब 5+3+3+4 मॉडल में आ रहा है। बच्चे देखिए, अगर आप कहें कि स्कूल जो हैं पिछले कई सालों से प्री प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम तो हमारे देश में था ही, बट कहना चाहिए कि उसको भौतिक रूप से या पेपर पे या रिकग्निशन या मान्यता नहीं दी जा रही थी। अब चूंकि राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति आ गई है, इसमें उसको प्रॉपर मान्यता दी जा रही है। बाकी लर्निंग प्रोसेस या लर्निंग पेडागोजी की जहाँ तक बात है, वो प्री प्राइमरी स्कूल पहले से कर रहे थे। हाँ, सरकारी क्षेत्र में जहाँ पर आंगनवाड़ी की महत्वता अब बढ़ गई है, जहाँ पर बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलने की संभावना है, जहाँ पर हम नई शिक्षा नीति पर होने वाले सद्प्रभाव या आने वाले चैलेंजेस पर डिस्कस कर सकें और अपनी अपनी राय रख सकें। हर चीज़ का एक नज़रिया भी होता है देखने का, तो जितनी अच्छी चीज़ें हैं उनको हम बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करें और जो चैलेंजेस हैं जिनको कि हम डिसएडवांटेजेस कहते हैं या कम अच्छाइयाँ कहते हैं, उसको अपने तरीके से बेहतर किया जाए, उसको थोड़ा सा सुधारा जाए। और चूँकि देखिए, हमारा देश जो है विविधता में अनेकता का देश है, तो हर क्षेत्र की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है, अपनी अपनी ज़रूरतें हैं, उसके हिसाब से माइनर चेंजेस और माइनर मॉडिफिकेशंस के साथ हम इस शिक्षा नीति को बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 अभी 2023 से लागू होने का चांस है, मतलब लागू होने वाली है। और इसके पहले जो शिक्षा नीति बनी थी सन 1968 में, उसके बाद 86 में, उसके बाद 92 में भी संक्षिप्त संशोधन हुआ, मतलब समझिए 86 के बाद अभी 2020 में शिक्षा नीति बदल रही है। जो ग्लोबल चेंज हो रहे हैं टेक्नोलॉजी में, जो ग्लोबल चेंज हो रहे हैं एजुकेशन में, जो ग्लोबल चेंज हो रहे हैं ह्यूमन लेवल पे, जो बच्चे पहले थे वो आज नहीं, तो ये शिक्षा नीति इनको समावेश करके जो रोज़गार कैसे मिल सकता है बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को जो ज्ञान कैसे मिल सकता है, इस पर एक अच्छा प्रयास है। और मुझे लगता है ये लागू होगा तो जैसे दुनिया बदल रही है, भारत उसमें बराबर से बल्कि तेज़ दौड़ेगा। विद्यार्थी बिल्कुल आत्मसात करने में आगे रहेंगे, क्योंकि विद्यार्थी वो जो पुराना सिस्टम BA BSc BCom था उसको देखकर उनको भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं पढ़ क्या रहे हैं। एक बच्चा 12वीं के बाद सीधे कॉलेज जाता है तो उसको नहीं समझ में आता कि 3 साल जो पढ़ रहे हैं उसका उनके रोज़गार में या बाद के जीवन में क्या उपयोग है। नई शिक्षा नीति शायद उसी का उत्तर है। बहरहाल, सभी प्रतिभागियों को अर्ली चाइल्डहुड एसोसिएशन छत्तीसगढ़ से ओर से प्रमाण पत्र भी वितरित किया गया। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट।